गाइस आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बी ए स्ट्रॉन्ग पार्टनर हैंडलिंग एंड व्हाट इज मेथड ऑफ पार्टनर हैंडलिंग। दैट मीन्स कि अपने हम गेस्ट को, पार्टनर को, अपने हम प्रोस्पेक्ट को कैसे हैंडल करें ज्वाइनिंग के लिए और अपने साथ ज्वाइन करा के काम करें। एंड गाइस यू ट्रस्ट मी, ये सबसे बड़ी लोगों की प्रॉब्लम है, हाउ टू बी ए स्ट्रॉन्ग पार्टनर हैंडलिंग। और गाइस आज तक हमारे जो चैनल पर सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं ना, वो यही होते हैं कि सर मुझे कंपनी ज्वाइन किए हुए 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए। जब हम इनवाइट करते हैं, पार्टनर आते हैं, लेकिन प्लान देखते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, प्रेजेंटेशन देखते हैं और उसके बाद किसी न किसी बहाने से चले जाते हैं, यहाँ तक कि उनको हमारे बातों से भी नफरत हो जाती है। और गाइस जो सबसे ज़्यादा लोगों को रिजेक्शन मिलता है वो इसी पॉइंट से मिलता है। सो अगर आप DBA में हैं, असोर्ट कंपनी में हैं या फिर किसी भी MLM कंपनी के साथ जुड़े हैं, तो ये वीडियो आपके लिए सबसे अच्छा साबित होगा, क्योंकि हर कंपनियों का फंडा ज्वाइनिंग करने का, उनको अप्रोच करने का, उनको फॉलोअप करने का सेम होता है। सो गाइस इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा फर्स्ट डे से ले कर लास्ट डे तक अपने पार्टनर के साथ कैसे रहें, कैसे उनको कन्विंस करें, कैसे अप्रोच करें, कैसे उनको गाइड करें और ज्वाइनिंग कैसे करा दें। और चाहे छोटा रैंक हो या फिर बड़ा रैंक हो, हालांकि इस कंपनी में ज्वाइनिंग सिर्फ 2 रैंक से होती है, अब आप चाहे जिसको ज्वाइनिंग करा सकते हैं छोटे रैंक से या फिर बड़े रैंक से, कोई मैटर नहीं करता है, वो बंदा दोनों रैंक से ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा, समझना होगा। और ये प्रोसेस आज तक मैं YouTube पर पहली बार दे रहा हूँ। और गाइस ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जब आपका पार्टनर हैंडलिंग ही स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा तो आपके पार्टनर तो आएंगे लेकिन ज्वाइनिंग नहीं कर पाएंगे और उस कंडीशन में आप थक जाएंगे और एक दिन आप गिव अप कर देंगे, क्योंकि जब पार्टनर ही नहीं आएंगे तो सारी चीज़ें बेकार हैं। अगर आपका पार्टनर आपके अकॉर्डिंग हैंडल नहीं हो पाता है तो कहीं ना कहीं आपको एक रिजेक्शन मिलने वाला है। और गाइस यही नहीं, इस कंडीशन में आप सबसे ज़्यादा होपलेस हो जाते हो कि यार मैं जो कर रहा हूँ क्या ये सही भी है या नहीं, और कभी कभी तो आप ऐसा भी सोच लेते हो कि यार बस करो, अब यहीं पर छोड़ देते हैं। मनी कलेक्शन कैसे करना है, इन केस अगर वो बंदा घर पर चला भी जाता है तो आप उनके फैमिली से कैसे बातचीत करोगे और उनके फैमिली को कैसे कन्विंस करोगे ताकि वो बंदा दोबारा घर से पैसे लेकर आपके साथ ज्वाइन करे। अब गाइस यहाँ पर मैं मान सकता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर घर से आने से लेकर ज्वाइनिंग तक हर चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, पार्टनर कन्विंसिंग, फैमिली कन्विंसिंग, हर चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप डिफाइन किया गया है, तो इस कंडीशन में थोड़ा वीडियो लंबा जरूर हो सकता है। बट गाइस ये मेरा चैलेंज है कि अगर इस वीडियो को आप बराबर देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और यही नहीं, आपके टीम में भी कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं होगा। सो गाइस इसलिए अब वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करें, वरना फिर आप यही बोलेंगे सर इतने महीने मुझे हो गए हैं काम करते हुए, पार्टनर नहीं आते हैं, पार्टनर आते भी हैं ज्वाइन नहीं करते हैं, मुझे रिजेक्शन मिल रहा है, तो इसके लिए क्या सलूशन है। सो इसलिए गाइस इस वीडियो को आप बी केयरफुल्ली पूरा वॉच करें, क्योंकि गाइस मेन पॉइंट को समझना आपका हक है। सो गाइस आइए स्टार्ट करते हैं। जब हम अपने फ्रेंड को, अपने प्रोस्पेक्ट को रिसीव करने जाते हैं तो हमें फुल्ली ड्रेस में जाना है, लाइक जो ड्रेस हम पहन के ऑफिस जाते हैं, जिस ड्रेस में हम लोगों को अप्रोच करने के लिए जाते हैं, मुझे सेम उसी ड्रेस में अपने प्रोस्पेक्ट मिलने जाना है। क्योंकि गाइस वो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। और गाइस इसका सबसे अच्छा इफेक्ट पड़ता है आपके प्रोस्पेक्ट के ऊपर। तो जैसे आप उनसे मिलते हैं, आप उन्हें सबसे पहले हैंडशेक करें, उसके बाद उनसे पूछें ट्रैवलिंग कैसा लगा, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई समस्या तो नहीं हुई, और फिर उनके बाद आप उनको चाय पानी के लिए पूछें और कराएं। चाय पानी नाश्ता करते समय आपको उनसे उनके घर का हालचाल लेना है, उनके पापा कैसे हैं, मम्मी कैसी हैं, क्या वो यहाँ आने से पहले घर पे बात किए थे, यहाँ पहुँचने के बाद उनको कॉल किए बताएं कि मैं यहाँ पर सही सलामत पहुँच गया हूँ। सो गाइस यहाँ पर आप उनके पापा के बारे में, मम्मी के बारे में, भाई बहन सबके बारे में, फैमिली में कौन कौन है, क्या क्या करते हैं, सफ़र कैसा रहा, ये चीज़ें आप नाश्ता कराते समय पूछ सकते हैं। अब गाइस नाश्ता करा कर रूम पर लाते समय आपको 10 मिनट टाइम लेना है और उन 10 मिनट में आपको अपने रूम का टीअप करना है, दैट मीन्स तारीफ करनी है, रूम पर कितने लोग हैं, कौन कौन है,
और कैसे कैसे आपको वहाँ पर रहना है, कैसे वहाँ पर लोगों से आपको बातचीत करना है, तो थोड़ा बहुत आप इनको हिंट दे सकते हैं अपने रूम और अपने रूम के लोगों के बारे में कि रूम पर एक दूसरे को आपको सीनियर या सर कह के बुलाना है और ये हम सभी करते हैं। रूम पर सबको एक अच्छी रिस्पेक्ट देनी है, ये आपको बता देना है। उसके बाद जैसे आप रूम पर पहुँचते हैं, स्लीपर कहाँ उतरना है, हैंड वॉश कहाँ पर है, टॉयलेट बाथरूम कहाँ पर है, गेस्ट रूम कहाँ पर है, हर एक छोटी छोटी चीज़ें उनको बता देनी है जो उनकी बेसिक ज़रूरतें आती रहती हैं। अब दोस्तों जैसे आप अपने रूम में एंटर करते हैं तो वहाँ आपके भी फ्रेंड होंगे, आपके रूममेट होंगे जो आपके साथ रहते हैं, काम करते हैं, आई मीन गाइस वहाँ पर उस कंपनी के सीनियर भी हो सकते हैं जो थोड़ा आपसे रैंक में ऊपर के होंगे। तो दोस्तों आपको हर एक पर्सन के बारे में स्टेप बाय स्टेप बता देना है और यही नहीं उनकी आपको तारीफ भी करनी है। ऐसा नहीं कि ये आपके फ्रेंड हैं तो आप वहाँ पर लेके पहुँच गए और सिर्फ अपने आप से ही मतलब रख रहे हैं, ऐसा नहीं दोस्तों। आपको हर एक पर्सन से स्टेप बाय स्टेप मिलाना है, अपने प्रोस्पेक्ट को रूम पार्टनर से और रूम पार्टनर को अपने फ्रेंड से। अब गाइस ऐसे करते करते आप हर एक पर्सन से उनसे हाथ मिलाएं, उनके बारे में बताएं, इनको उनसे मिलाएं, उनको इनसे मिलाएं और दोनों लोग का एक दूसरे का नाम भी बताएं। अब गाइस इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है आपके लिए जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, जो कि सीधे आपके बिजनेस पर असर डालता है। और गाइस यही नहीं, आपको इनके सामने अपने रूम पार्टनर के हर एक पर्सन का टीएफ करना है और अपने रूम पार्टनर के सामने अपने दोस्त का टीएफ करना है और ये देखकर सुनकर आपके दोस्त को काफी अच्छा लगेगा। अब गाइस इसका रिजल्ट आपको कुछ देर बाद मिलने वाला है, वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। अब ऐसा तो नहीं कि आप वहाँ पर 24 घंटे रहने वाले हैं, इन केस अगर आप बाहर चले जाते हैं किसी कारण से आप अपने दोस्त के साथ नहीं है, उस कंडीशन में जो सबसे बड़ा रोल होता है वो है आपके वहाँ के रूम पार्टनर का। ऐसा भी हो सकता है कि उसमें से कई लोग उन्हीं के पहचाने निकल जाए, उनके रिलेटिव के पहचाने निकल जाएं, उनके दोस्त के पहचाने निकल जाएं, तो जब वो आपस में थोड़ा बातचीत करेंगे तो वो एक दूसरे से काफी अच्छे क्लोज में आ जाएंगे। और यहाँ पर अगर आपके रूम पार्टनर आपके दोस्त के सामने आपकी तारीफ कर दिए कि भाई आप जिस बंदे के साथ आए हो वो काफी अच्छे हैं, काफी टैलेंटेड है और इस कंपनी में उनका काफी नाम है, काफी स्ट्रगल से काम करते हैं और अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। अब यहाँ पर आपके फ्रेंड वहाँ पर रहेंगे या नहीं रहेंगे ये पूरा डिपेंड करता है आपके रूम के पार्टनर के ऊपर, जितने भी उस रूम में लोग रहते हैं। तो दोस्तों अगर आप अपने फ्रेंड के सामने अपने रूममेट का टीएफ कर देंगे तो आपके न रहने के बाद आपके रूम पर जितने भी लोग रहते हैं वो आपकी तारीफ करेंगे आपके दोस्त के सामने और ये चीजें आपके दोस्त के ऊपर काफी अच्छा प्रभाव डालेंगी आपके बारे में, क्योंकि यहाँ भी अगर उनको थोड़ा सा हिंट मिल गया तो शाम को बैग उठाएगा और चला जाएगा। और यही नहीं, इनके जितनी भी प्रॉब्लम आने वाली हैं आपके न रहने के बाद आपके फ्रेंड को, वो सारे लोग मिल के सॉर्ट आउट कर देंगे। फिर गाइस उसके बाद थोड़ा आप अपने फ्रेंड को बोले कि भाई थोड़ा सा आप आराम करो, आप उनसे आराम कराइए, एक दो घंटे बाद जैसे शाम होते हैं तो आप थोड़ा मन को लेके जाइए मार्केट में। मार्केट से वापस आने के बाद, रूम पर पहुंचने के बाद जो भी वहां पे आपके रूल रेगुलेशन टर्म कंडीशन है, कि कभी कभी क्या होता है कि वहां पर फॉर्म फिलअप होते हैं, एकोमोडेशन फॉर्म फिलअप होते हैं, तो आप उनको वो भी फिल करा सकते हैं, क्योंकि जो आपके सीनियर होते हैं, आपके ऊपर वाले होते हैं, वो वहीं पर रहते हैं। तो इसके लिए आप अपने सीनियर से बात कर लीजिए कि सर मेरे फ्रेंड आए हुए हैं तो क्या मैं उनका फॉर्म फिलअप करा सकता हूँ, आप कर सकते हैं। तो अगर ये स्ट्रेटजी है वहाँ पे तो आप ये भी उसको पूरा कर सकते हैं वहीं पे। और खाना पीना खिलाने के बाद सुला दीजिए, मॉर्निंग होने के बाद आप उनको फ्रेश कराइए। और गाइस देखिए उनको उठने से पहले, उनको फ्रेश होने से पहले आपको उठना पड़ेगा, आपको फ्रेश होना पड़ेगा, क्योंकि गाइस जैसे जैसे आप करते चले जाएंगे आपके फ्रेंड भी जो नए नए हैं वो भी वैसे वैसे ही करेंगे। तो सुबह सुबह आपको जल्दी उठना है, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं तो भी आप कर सकते हैं, इसका इफेक्ट आपके फ्रेंड के ऊपर बहुत अच्छा पड़ेगा। उसके बाद आप उनको ब्रश मंजन कराइए, नहा धुलाने के बाद जब आपके फ्रेंड रेडी हो जाते हैं तो आपको दो तीन कंडीशन बताने हैं वहाँ पे। पहली कंडीशन तो ये है कि उनसे बोलो कि दोस्त जब आप अपने ट्रेनिंग में बैठोगे, क्लास में बैठोगे, सीखने के लिए बैठोगे तो आपको अपना मोबाइल साइलेंट या स्विच ऑफ करना होगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि हमारे ऑफिस में स्लीपर अलाउ बिल्कुल नहीं है, चप्पल अलाउ नहीं है, इसलिए आपको शूज वियर ही करके जाना है। और तीसरी कंडीशन ये है कि टी शर्ट अलाउ नहीं है, आपको शर्ट पहन के जाना है, फुल्ली प्रोफेशनल ड्रेस, एकदम बढ़िया सा प्रोफेशनल ड्रेस पहनकर एंट्री करनी है। अब यहाँ पर जब उनको अपने साथ लेकर आप ऑफिस के लिए निकल जाते हैं तो आपको रास्ते में क्या क्या बताना है थोड़ा ध्यान देना। सबसे पहले आपको कोई भी चीज़ फालतू की बात नहीं करनी है,
सिर्फ और सिर्फ अपने काम से और अपने काम वाली बात ही करनी है। आपकी कंपनी का एनवायरनमेंट कैसा है, लोग कैसे हैं, लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, कैसे कैसे वहाँ पर ज्वाइनिंगें होती हैं, ट्रेनिंग में कितना ध्यान देना पड़ता है, ट्रेनिंग को पूरा करना कितना जरूरी है, सारे जो रूल रेगुलेशन टर्म कंडीशन होते हैं वो आपको बताते जाना है। सिस्टम क्या होता है, सीनियर क्या होते हैं, सीनियर के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताना है, और आपको अपनी कंपनी का टीअप करना है, आपने जो ब्रांड पहना हुआ है उसका टीअप करना है, पैन सेट, टाई बेल्ट, वॉलेट, जो भी चीज़ आप यूज कर रहे हैं अपने कंपनी के प्रोडक्ट के, उसके बारे में उनको टीएफ करना है, दैट मींस तारीफ करके बतानी है। तो कहीं ना कहीं इसका एक बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा आपके फ्रेंड के ऊपर, जिससे कि उनका पूरा पूरा माइंड ट्रेनिंग में प्रॉपर लगे, और जो आपकी कंपनी का सिस्टम है, आई मीन कि 1 से लेकर 10 सिस्टम है, उसके बारे में उनको अच्छे से बताना है कि दोस्त भाई मेरे, यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो जितना भी कमाते हैं, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 1,00,000, 2,00,000 जो भी अर्निंग करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की बदौलत, क्योंकि यहाँ पर हर एक बंदा सिस्टम से होकर ही गुजरता है, और जितना अच्छा इसको समझ लिया उतना अच्छा पैसे कमाएगा। और अगर आपका सिस्टम ट्रेनिंग अच्छे से नहीं हो पाया तो शायद आप यहाँ पर ज्वाइनिंग न ले पाएं, या फिर यहाँ से आपको वापस जाना पड़े। तो इसलिए जब आप ट्रेनिंग में बैठेंगे तो आप अपना फोकस पूरा अच्छे से सिस्टम पर दीजिएगा। और दूसरी कंडीशन गाइस, जो आपका सिस्टम के बाद अप्रूवल होगा, इंटरव्यू होगा, उसमें टोटल और टोटल क्वेश्चन सिस्टम से ही पूछे जाएंगे, बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो इसलिए आपको सिस्टम को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो इसलिए जो भी वहाँ पर सीनियर सर आएंगे क्लास देने के लिए आपको, और आपके साथ जो भी लोग बैठेंगे, तो उनकी बातों को अच्छे सुनना और समझना। और जब उनकी बातों को आप अच्छे सुनेंगे समझेंगे तो आपके पास एक अच्छा मौका होगा अप्रूवल को क्रॉस करने का। अब गाइस यहाँ पर सबसे बड़ा जो चीज़ है वो है कि आपके फ्रेंड का माइंड ट्रेनिंग में लगे, क्योंकि ट्रेनिंग लंबी होती है, सुबह से शाम भी हो जाता है, और ये 3 से 4 दिनों का होता है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो है कि आपके फ्रेंड का मन वहाँ पर अच्छे से लगे, क्योंकि अगर मन नहीं लगा, समझ में नहीं आया, तो वो बंदा चला जाएगा, और हर एक क्लास के लिए 2-3 घंटे बैठना सबके लिए बोरिंग हो जाता है। तो इसलिए गाइस जब अपने फ्रेंड को आप अच्छे से बता देंगे पहले से ही, तो उनका पूरा का पूरा माइंड ट्रेनिंग में लगेगा। और गाइस ये आपको अच्छे से पता है कि अगर ट्रेनिंग को जो बंदा अच्छे समझ लिया वो 100% ज्वाइनिंग करना ही करना है, क्योंकि उस ट्रेनिंग में सिस्टम में इतनी पावर है। लेकिन होता क्या है कि लोग अच्छे समझते नहीं हैं, उसको ऑब्जर्व नहीं करते हैं और चले जाते हैं। और जब उनका मन बराबर लगेगा तो क्लास चाहे 2 घंटे की हो, 4 घंटे की हो, 6 घंटे की हो, कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पर उनका मन लग रहा है, उनको अच्छा लग रहा है। और जब नए लड़कों का वहाँ पर मन लगना शुरू हो जाएगा तो उनको चाहे इतनी लंबी क्लास हो, बोरिंग बिल्कुल नहीं लगेगा। एक चीज़ और जो आपको अपने फ्रेंड को बताना है कि भाई जब वहाँ पर तुम बैठोगे तो उसमें से कुछ लड़के ऐसे भी होंगे जिनको अच्छा नहीं लगेगा, जो बीच में जाना चाहते हैं, किसी को बैठने में प्रॉब्लम होगी, किसी को समझने में प्रॉब्लम होगी, किसी को क्या प्रॉब्लम आती रहेंगी, और कितने लोग तो ऐसे मिलेंगे जिनको कुछ और ही समझ में आएगा। तो इस कारण से बहुत से लड़के ट्रेनिंग में ही या ट्रेनिंग के बाद चले भी जाएंगे, और बहुत से लड़के तो ऐसे भी होंगे जो चाहेंगे कि आप यहाँ से चले जाओ, आई मीन कि कुछ ऐसी बातें आपको बोलेंगे जिसके कारण आप छोड़कर चले जाओ, क्योंकि वो सभी चाहेंगे कि ट्रेनिंग में लड़के कम हो जाएं, और जब लड़के कम हो जाएंगे तो हमारी ज्वाइनिंग यहाँ पर पक्की हो जाएगी। हालांकि ऐसा आपको बोलेंगे लेकिन वो नहीं जाएंगे, उस कंडीशन में आप चले जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको अपने फ्रेंड को पहले ही बता देनी है। आप अपने फ्रेंड को बोलना जो भी है जैसे भी है, तुम सिर्फ अपने काम पर फोकस करना, अपने काम पर ध्यान देना, किसी की बातों पर ध्यान मत देना। और दोस्त मैं मानता हूँ कि आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन दोस्त वो कहते हैं ना कि हार्ड वर्क का फल मीठा होता है, ये ट्रेनिंग आपको अपनी पूरी लाइफ काम आएगा। और दोस्त अगर आप यहाँ पर आए हो, अपने घर से अपने दूर से आए हो, तो एक होप एक उम्मीद लेके निकले हो, अपना और अपने पूरे परिवार का। और गाइस यही नहीं, यहाँ पर ऐसे कोई बंदे नहीं हैं जो ट्रेनिंग न लगाया हो, मैं खुद यहाँ पर जितने भी सीनियर हैं जो आपको क्लास देने आएंगे, हर एक बंदा यहाँ पर ट्रेनिंग लगाने के बाद ही यहाँ तक पहुँचे हैं। और आप भी ऐसा कर सकते हो, ट्रेनिंग ले लो अच्छे से, ट्रेनिंग लेने के बाद आप खुद आकर क्लास दे सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपने कंपनी का टीअप करना है, अपने ब्रांड का टीअप करना है, अपने सीनियर का टीअप करना है, वहाँ के सिस्टम का टीअप करना है, और एक पेन कॉपी टाइप रजिस्टर देकर उनको ट्रेनिंग में बैठा देना है। अब गाइस अपने फ्रेंड को ट्रेनिंग में बैठाने के बाद आप उनके पीछे खड़े भी हो सकते हैं और नहीं भी, ये पूरा डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब यहाँ पर अगर आप उनके पीछे खड़े होते हैं तो आपके हाथ में एक डायरी और एक पेन होना चाहिए, और अपने फ्रेंड से आप ये बोल सकते हैं कि मुझे आपके एक्टिविटी को नोट करने के लिए बोला गया है, और इसीलिए मैं आपके पीछे खड़ा रहूँगा, क्योंकि कल अगर आप किसी कारण से फेल हो जाते हैं, इंटरव्यू आपका क्वालिफाइड नहीं हो पाता है,
तो क्या क्या रीजन है उस चीज़ को मैं यहाँ पर नोट पहले से किया रहूँगा, और यहाँ पर टॉयलेट कहाँ है, बाथरूम कहाँ है, और फ्रेंड तो आप मेरे हो, तो इसलिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ ताकि मैं आपका प्रॉपर गाइड कर सकूँ। इन केस अगर आप पीछे नहीं भी खड़े होते हो तो भी आप बोल सकते हो कि दोस्त जब आपकी ट्रेनिंग चलती रहेगी उस टाइम मैं अपना काम करने के लिए चला जाता हूँ, अब जैसे आपकी ट्रेनिंग ख़त्म होती है मैं तुरंत आ जाऊँगा। और दोस्तों पीछे बैठाने के बाद अगर आप चाहें तो कुछ और भी अच्छा सीख सकते हैं, तो पीछे आप खड़े रहें या न रहें कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों पहला सिस्टम ख़त्म होते ही, ट्रेनिंग ख़त्म होते ही आपको अपने दोस्त के पास जाना है और स्माइल के साथ उनसे मिलना है। हाँ जी भाई, आज आपका पहला दिन था, पहली क्लास थी, पहला सिस्टम था और पहले सीनियर थे, तो ये क्लास आपको कैसा लगा और जो सीनियर आपको क्लास करवाए हैं वो कैसे लगे, कि उनके अंदर एक वो कौन सी स्किल्ड है, कौन सी क्वालिटी, कौन सा पॉइंट जो आपको सबसे अच्छा लगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो बंदा ऑटोमेटिक बोलना शुरू कर देगा। अब यहाँ पर जो भी उसे अच्छा लगा होगा उन सीनियर के अंदर वो बोलेगा, सर के अंदर ये क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, उनका बताने का तरीका बहुत अच्छा लगा, चीजों को समझाने का, और फाइनली जॉब अच्छा लगा या फिर बिजनेस अच्छा लगा, कुछ भी वो बताएगा अपने हिसाब से, तो यहाँ पर उसका अपडेट आपको मिल जाएगा बड़े ही आराम से। तो यहाँ पर अपडेट लेने के बाद आप उनको थोड़ा सा पानी नहीं पिलाइए, हो सके तो नाश्ता भी करा दीजिए, टॉयलेट बाथरूम जाने के बाद फुल्ली फ्रेश करने के बाद लगे फिर से ट्रेनिंग में बैठा दीजिए। अब आपको उनके पास जाना है जो सीनियर एमसी करवा रहे थे, और उन एमसी वाले पर्सन से अपने प्रोस्पेक्ट का पूरा अपडेट देना है, और अगर आप उन सीनियर से डायरेक्ट मीट कर लेते हैं तो और अच्छी बात है जो इसके बाद क्लास या फिर डेमो देने वाले हैं, क्योंकि आपको अपने फ्रेंड का अपडेट पहुंचाना बहुत जरूरी है। मतलब ये कि आपके दोस्त के अंदर वो कौन से थॉट्स चल रहे हैं जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, जैसे क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लग रहा है, जॉब अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, क्योंकि दोस्त यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज है वो है कि आपके फ्रेंड का माइंड फ्रेश होना बहुत जरूरी है उलझनों से। और देखिए सिस्टम के बाद डेमो इसीलिए किया जाता है, कि उन सभी के क्या क्वेश्चन है, क्या डाउट्स है, क्या उलझने आ रही है, पहले डेमो में जॉब बिजनेस को अच्छे से डिफाइन किया जाता है और साथ ही साथ उनके थॉट्स, उनके कंफ्यूजन भी दूर किए जाते हैं। तो जो सीनियर अगली क्लास देने वाले हैं उन तक आपको अपने फ्रेंड का अपडेट पहुंचाना है, और जब वो सीनियर जाएंगे वहां पर क्लास कराने के लिए तो वही चीजें वो बताएंगे जो इनके माइंड में चल रहा है, कि आपके फ्रेंड के माइंड में चल रहा है, चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जॉब हो या फिर बिजनेस हो। अब यहाँ पर क्या होता है कि इनडायरेक्ट तरीके से आपके फ्रेंड का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और वो बोलेगा, अरे वाह यार, जो मेरे अंदर थॉट्स चल रहे थे इन्होंने तो उसी को क्लियर कर दिया, कि हमारा डाउट्स भी क्लियर हो गया। और इसी तरह वहाँ पर जितने भी सिस्टम हो, जितने भी क्लास होंगे, जितने भी डेमो होंगे, ये आपको अच्छे से पता है कि अब अगली क्लास, अगली डेमो किस पर होने वाली है, तो उसके बारे में आपको अपने फ्रेंड से थोड़ा सा टीएफ करना है, थोड़ा सा उस क्लास का, उस सिस्टम का वैल्यू करना है। जैसे कि एडवाइजर के बाद स्टार्ट होता है सिस्टम टारगेट, और टारगेट का टीएफ आप कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं कि दोस्त कोई भी बंदा जब अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाता है, काफी स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है, भागदौड़ करता है, फिर भी सफल नहीं हो पाता है, तो वो क्यों नहीं हो पाता है उसी चीज को इस सिस्टम में बताया जाएगा। कि वो कौन सा सिस्टम, कौन सा रूल, कौन सा फार्मूला यूज नहीं किया है जो कि अपने सक्सेस को अचीव नहीं कर पाया है, और किस कारण से लोग आज अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाए हैं। अब देखिए यहाँ पर मेरे भी जुबान से निकल गया टारगेट, बट ऐसा कभी कभी हो जाता है कि ऑटोमेटिक आपको बताते बताते आपके जुबान से टारगेट निकल जाता है, बट ये उसको नहीं पता कि अगला सिस्टम टारगेट ही होने वाला है, तो इससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बड़ी बात यह है कि आपको उस सिस्टम से होने से पहले उस सिस्टम का टीएफ करना होगा, ताकि उसका जो माइंड है वो माइंड प्रॉपर उस सिस्टम पर फोकस कर सके। और दोस्त आपको ये अच्छे से पता है कि जो पर्सन ये सिस्टम को, इन द सिस्टम को अगर अच्छे से समझ ले, ऑब्जर्व कर ले, फोकस करके और अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर ले, तो वो कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएगा, इनफैक्ट ज्वाइन भी करेगा और आपके साथ काम भी करेगा, क्योंकि इस सिस्टम में इतनी बड़ी पावर है और जितने भी लोग आते हैं वो डेफिनेटली ज्वाइन करेंगे ही करेंगे। बट होता क्या है, जितने भी लोग आते हैं वो इस सिस्टम को, ट्रेनिंग को अच्छे से समझते ही नहीं है, और ये पूरी की पूरी मिस्टेक होती है सिर्फ और सिर्फ हैंडलिंग से। तो इसलिए आपको अपनी हैंडलिंग स्ट्रांग करनी है। अब जैसे ही आपके फ्रेंड का सिस्टम कंप्लीट होता है टारगेट, उसके बाद उनसे आप मिलेंगे स्माइल के साथ। आपको पर डे अपने फ्रेंड को सिर्फ एक ही सीनियर से मीट करानी है, लेकिन मैक्सिमम लोग गलती यहीं पर करते हैं कि वो डेली 3-4 लोगों से मीट करा देते हैं, और होता क्या कि आपका फ्रेंड चला जाता है। तो इसलिए आपको 3-4-5-6 लोगों से मीट नहीं कराना है, डेली सिर्फ और सिर्फ आप एक ही सीनियर से टाइम ले लें कि सर हम आपसे अपने फ्रेंड को डेली मीट कराएंगे,
जब तक ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होती है। इसका भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप पर डे 3-4 सीनियर से मीट कराते हैं तो ये आपके फ्रेंड के लिए एक नेगेटिव पॉइंट होगा, क्योंकि दोस्त अगर आप अपने फ्रेंड को डेली 3-4 लोगों से मीट कराते हैं तो आपका फ्रेंड सोचेगा, यार मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरे साथ ये कर क्या रहे हैं और 3-4 लोगों से डेली क्यों मिला रहे हैं। और देखिए, यहीं पर धीरे धीरे वो बंदा बोर भी हो जाएगा और हो सकता है चला भी जाए। अब कैसे मीट कराना है मैं ये बता देता हूँ। देखिए, अब आपको अपने सीनियर के बारे में, जिनसे आप मीट कराने वाले हैं पर डे, उनके बारे में कुछ ऐसे हिंट देनी है, कुछ ऐसा वैल्यू क्रिएट करना है, कि कुछ ऐसी अच्छी अच्छी बातें बतानी है जिससे उसके अंदर खुद एक एक्साइटमेंट आ जाए मिलने के लिए कि हाँ यार, मैं इन सीनियर से मीट जरूर करूंगा, और वो बंदा खुद बोले कि यार मुझे उस सीनियर से मीट कराओ। समझ गए ना? मतलब कि आपको अपने फ्रेंड को ये बताना है कि भाई देखो, यहाँ पर जितने भी इंटरव्यूअर हैं, जितने भी अप्रूवल लेते हैं, जितने भी लोग सिलेक्शन में इन्वॉल्व हैं, मैं आपको उनसे स्टेप बाय स्टेप मिलाता रहूंगा। क्योंकि दोस्त, इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि जब आप उनसे बार 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 मिलते रहेंगे तो आपका जो फेस है उनके माइंड में बैठ जाएगा, और जब वो आपको अच्छे से पहचान लेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका अप्रूवल, आपका इंटरव्यू उन्हीं के हाथ में चला जाए। और जब आपका अप्रूवल उनके हाथ में चला जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको वहां से एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, कि कहीं ना कहीं आपको इससे ज्यादा फायदा होगा। और देखिए, जैसे ही आप उससे ये बातें बोलते हैं, उसके अंदर एक ऑटोमेटिक एक्साइटमेंट आ जाएगा कि हाँ यार, बात तो सही कह रहे हो, अब मैं उस सीनियर से रोज मिलूंगा। और ये भी हो सकता है कि वो बंदा आपसे ये भी बोल दे कि भाई देख, तू मुझे डेली किसी न किसी सीनियर से मीट कराते रहना, उनसे मिलाते रहना, हो सकता है कि यार उनके पास ना जाए, इनके पास चला जाए, तब तो यहाँ से हमारा काफी अच्छा सपोर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको उनसे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो बंदा ऑटोमेटिक बोलेगा भाई मुझे उन सीनियर से मीट कराओ यार। और देखिए दोस्त, यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज है जो आपको ध्यान देना है, अपने फ्रेंड को वहाँ पर आप जितने भी लोग से मिलाते हो, चाहे वो आपके डाउनलाइन हो, वहाँ के लोग हो, रूम के लोग हो, कोई भी सर सीनियर हो, कोई भी बंदा, तो उनके सामने अपने फ्रेंड को गेस्ट, प्रोस्पेक्ट, डाउनलाइन, पार्टनर, क्रॉसलाइन, कि इन सभी वर्ड का आपको यूज नहीं करना है जो उसको बिल्कुल समझ में आता ही ना हो कि भाई ये मुझे नए नाम से क्यों बुला रहा है, मेरा नाम तो ये है, मैं इसका फ्रेंड हूँ, और फ्रेंड की जगह ये मुझे कुछ दूसरा नाम दे रहा है। सिंपल आपको ये बोलना है कि ये मेरे भाई हैं, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, या फिर ये मेरे सबसे क्लोज फ्रेंड हैं, जिनकी अभी ट्रेनिंग चल रही है और थोड़ा आपसे मिलाना चाहते हैं। और उसके बाद जब पहले दिन की ट्रेनिंग खत्म होती है तो आपको खुद पानी वगैरह पीकर उनके साथ वहीं पर ट्रेनिंग सेंटर पर ही 10 से 15 मिनट खुद मिलना है और उनसे बोलना है, भाई यहाँ पर नए लोग थे, नया प्लेस है, नए पीपल्स हैं, नया नया इन्वायरमेंट है, कुछ चीजें समझ में आई होंगी, कुछ नहीं भी आई होंगी, जैसे कि यहाँ पर लोग क्या करते हैं, लोग काम कहाँ पर करते हैं, यहाँ तो लोग पीछे खड़े होकर बस ताली बजा रहे हैं, और अगर ये ऑफिशियल वर्क है, ऑनलाइन काम है, तो वो काम हो कहाँ पर रहा है, प्रोडक्ट कहाँ पर रखे गए हैं, तो ये क्वेश्चन आना सबके माइंड में नॉर्मल है, क्योंकि हमारे भी माइंड में कभी न कभी आया था और आपके माइंड में भी आ रहा होगा। सो डेफिनेटली ये सबके माइंड में आता ही है। तो यहाँ पर आपको आराम से बैठ के उसके सभी डाउट्स क्लियर करने हैं, चाहे उसके डाउट्स ये हों तो भी, नहीं हो तो भी। तो उनसे आपको ये बताना है कि दोस्त, यहाँ पर आपके हर एक डाउट्स, हर एक कन्फ्यूजन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाएंगे, बस थोड़ा आपको टाइम देना है। और हम लोग यहीं से काम करते हैं, मोबाइल से ही काम करते हैं, ऑनलाइन ही काम करते हैं, बस क्या है कि ये एक ट्रेनिंग सेंटर है, जैसा कि इसका नाम सभी को पता ही होगा, इसको STC बोलते हैं, स्किल डेवलपमेंट सेंटर। हालांकि हम लोग का काम ऑनलाइन है और आपको पता है कि ऑनलाइन काम हम कहीं से भी कर सकते हैं, तो जो भी चीजें हैं, जितने भी आपके डाउट्स हैं, वो स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा आपको पेशेंस और समय देने की जरूरत है। और उसके बाद जब आप अपने फ्रेंड को रूम पर लेके जाते हैं तो जाते समय रास्ते में जो प्रीवियस सिस्टम है, जो सिस्टम अभी आज हुए हैं, उसको धीरे धीरे रिविजन कराना है। एक सिस्टम, दो सिस्टम, तीन सिस्टम, जितना भी हुआ है, सिर्फ उन्हीं का रिविजन कराना है और फालतू एक्स्ट्रा बातें बिल्कुल नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने काम की बातें करनी है, अपने सिस्टम की बातें करनी है और अपने बिजनेस से रिलेटेड बात करनी है। और उसके बाद आपको अगले दिन कल का TF करना है, आज ही। वो कैसे करना है? वो आपको ऐसे करना है कि दोस्त, जो आपका सिस्टम कल होने वाला है उसमें आपके सारे डर दूर हो जाएंगे, कोई भी डर आपके अंदर नहीं बचेगा, और कल की क्लास आपकी काफी नॉलेजफुल और इंटरटेनमेंट के साथ होगी। और कल आपको ये भी बताया जाएगा और करके दिखाया जाएगा कि आप पूरे दुनिया में कहीं से भी, कहीं भी, चाहे कितने भी लोग हों,
उनके सामने खुद को कैसे प्रेजेंट कर सकते हो और कैसे कन्वेंस कर सकते हो और कैसे अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, आई मीन कि हजारों लोगों के बीच खुद को कैसे अलग रख सकते हो। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि किसी भी फील्ड में आपको सक्सेस कैसे होना है। और यहीं तक ही नहीं, कल ये क्लास आपका अप्रूवल 70% क्लियर करा देगी। आई मीन कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो सिस्टम कल होने वाले हैं सिर्फ उसी सिस्टम के ऊपर 60% बिजनेस डिपेंड है। दैट मीन्स कल का डेज आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट होगा। उसके बाद जब आप रूम पे पहुंचते हैं आधे घंटे तक थोड़ा फ्रेश होइए, अपने फ्रेंड को फ्रेश कराइए और फिर बैठ जाइए रिविजन कराने के लिए। जो भी सिस्टम हुए हैं, जो भी आपको टारगेट पूरा करना है, आई मीन जो आपके फ्रेंड को टारगेट पूरा करना है, आप उनको एक दो टारगेट करके दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जॉब क्या है, बिजनेस क्या है, जॉब अच्छा है या फिर बिजनेस अच्छा है, उन सभी के बारे में आप थोड़ा थोड़ा उनको हिंट देते रहिए। और जो भी वहाँ पर आपके लोग हैं, आई मीन कि आपके जो अभी वहाँ पे रूम पार्टनर हैं, आप उनसे भी बिल्कुल मिलाइए, क्योंकि इससे आपको फ्रेंड के अंदर काफी क्लोजनेस आएगा उन सभी के बीच में रहकर। और वहाँ पर जो भी सिस्टम पर डे होते हैं आपको उसी दिन कम्प्लीट करा देना है। ऐसा नहीं कि आधे सिस्टम आप कल कराओ, कल का परसों कराओ, क्योंकि अगर ऐसा आप करते हैं तो इसमें लापरवाही सिर्फ आपकी है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको डे टू डे अपडेट रहना है। अब देखो यहाँ पर आपको दो चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। पहला, आपको अपने फ्रेंड के सिस्टम डेली के डेली कंप्लीट कराने हैं, और दूसरा आपको पहले के दो दिन अपने फ्रेंड के अकॉर्डिंग चलना है। आई मीन कि जो फर्स्ट डे होगा और सेकेंड डे होगा आप अपने फ्रेंड के अकॉर्डिंग चल सकते हो, जैसा आपको फ्रेंड बोलता है आप थोड़ा बहुत वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद जो अगला दो दिन होगा जहाँ से परचेजिंग और डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट होता है और जहाँ से उसको ये सब पता चलता है, तो यहाँ पर आप कोशिश कीजिए कि आपका फ्रेंड आपके अकॉर्डिंग चले। और ये पॉसिबल तभी हो पाएगा जब पहला दो दिन आप अपने फ्रेंड के साथ अच्छे से दिए रहोगे, चीजों को अच्छे से फॉलो किए रहोगे। आई मीन कि जब अपने फ्रेंड के सामने अपनी वैल्यू, अपने रूम के पार्टनर की वैल्यू, रूम के लोगों की वैल्यू, अपने सीनियर की वैल्यू, कंपनी के ब्रांड की वैल्यू, कंपनी की वैल्यू, कंपनी के प्रोडक्ट की वैल्यू और सिस्टम की वैल्यू बनाए रहोगे, तभी अगला दो दिन आपका फ्रेंड आपके अकॉर्डिंग चल सकता है। और यही नहीं, आपका फ्रेंड आपका पूरा रिस्पेक्ट भी करेगा और जैसा आप बोलोगे वो वैसा ही करेगा। उसके बाद सेकेंड डे में आप अपने फ्रेंड को तैयार करके ऑफिस में लेके जाइए, ट्रेनिंग में बैठा दीजिए। बैठाने के बाद आप ये सीनियर से मीट करके अच्छी अच्छी नॉलेज ले सकते हैं और वहाँ पर अपने फ्रेंड का आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पूरा का पूरा केयर कीजिए। लोग बोलते हैं कि फर्स्ट डे और सेकेंड डे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, बट मैं ये बोलता हूँ कि फर्स्ट डे और सेकेंड डे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। बंदा अगर फर्स्ट डे सेकेंड डे की ट्रेनिंग पूरी देख लिया और अच्छे से फोकस कर लिया तो थर्ड डे और फोर्थ डे वो जरूर बैठेगा और पूरा का पूरा सिस्टम देखने के बाद ही जाएगा। आई मीन कि वो अप्रूवल भी देगा और ज्वाइनिंग भी करेगा। बट लोगों को लगता है कि यार चलो आज पहला दिन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दूसरा दिन है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम तब होती है जब तीसरे दिन में उनको परचेजिंग शो होता है, उनको पता चलता है कि यहाँ पर पैसा लगेगा और अगले ही दिन ये पता चलता है कि यहाँ पर लोगों को जोड़ना भी होगा। आई मीन कि ये जोड़ने वाला काम है और पैसा भी लगाना पड़ेगा, तब जाके प्रॉब्लम होगी, तो वहां से ध्यान देना शुरू करेंगे। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस कंपनी में लोगों की, जिनके पार्टनर चले जाते हैं और उनको रिजेक्शन मिल जाता है। अगर आप उनको दो दिन तक अच्छे से मैनेज कर लेते हैं तो आगे उनके ऊपर आपको ज्यादा जोर देने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, वो सब कुछ ऑटोमेटिक सीखते जाएंगे और समझते जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इन दो दिनों के बीच अपनी हैंडलिंग मजबूत कर लेते हो तो आगे ज्यादा प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी, और जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम आएंगी आप उन्हें बड़े आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो आइए अब हम आते हैं परचेजिंग पर। जिस दिन आपके फ्रेंड का परचेजिंग शो होता है, अब यहाँ पर जैसे ही परचेजिंग शो होती है आपके फ्रेंड की, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम आपके फ्रेंड की नहीं है, इससे सबसे ज्यादा मुश्किल आपको होने वाली है। आपका रिएक्शन कुछ ऐसा हो जाता है, अरे यार अब तो परचेजिंग शो होने वाली है, अब क्या होगा, कहीं मेरा पार्टनर चला गया तो, क्योंकि आज उसको पता चलेगा कि यहाँ पर पैसा भी लगेगा, तो आपका रिएक्शन बड़ा ही अजीबोगरीब हो जाता है। ऐसा लगता है कि यार कोई यहाँ वहाँ लग रहा है कि कोई मर गया है या फिर कोई भूतों वाला सपना देख लिए हैं, इतना डर जाते हैं। प्रोस्पेक्ट नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पर डर जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो परचेजिंग उसकी नहीं है, वो परचेजिंग मेरी हुई है, अब मुझे पैसा देना पड़ेगा। कुछ ऐसा रिएक्शन हो जाता है मेरे भाई, मतलब कि हम इतना घबरा जाते हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आता कि यार अभी वो आएगा हमसे सवाल करेगा कि यार यहाँ तो पैसे लगते हैं और तुमने मुझे बताया ना कि यहाँ पैसे लगते हैं, तो मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किन सीनियर से मीट कराऊँ ताकि उसका ये प्रॉब्लम चुटकियों में क्लियर हो जाए।
और अगर भाग गया तो क्या होगा। तो ऐसा करते हैं किसी अच्छे सीनियर से टाइम लेते हैं ताकि वो उसे अच्छे से समझा सके और जिससे कि मेरा फ्रेंड रुके और ज्वाइनिंग करे। और इसी डर के कारण आपके चेहरे का सारा इम्प्रेशन गायब हो जाता है। आपको लगता है कि पक्का अब मुझे रिजेक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा। और जब ये होता है तो आपका नॉलेज ऑटोमेटिक लो हो जाता है। और जब आपका नॉलेज कम हो जाता है तो आप वहाँ पर वो चीज़ नहीं दे पाते हो जो एग्जैक्टली आपको देना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। बट यहाँ पर आपको नर्वस बिल्कुल नहीं होना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको बस चीज़ों को अच्छे से फॉलो करना है, दैट्स इट। और रिजेक्शन गारंटी है कि नहीं मिलेगा। अब देखिए, जैसे ही आपके फ्रेंड का परचेजिंग कम्प्लीट होता है, उनके माइंड में चल रहा होता है कि मुझे पैसे लगाने हैं और यहाँ पर पैसे लगाने वाला काम ही है, तो सबसे पहले 10 से 15 मिनट या आधे घंटे तक आप उन्हें किसी से भी मत मिलाइए। किसी से भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुद उनसे मिलिए और खुद उन्हें अच्छे से समझिए। आप खुद एक्सप्लेन कीजिए कि परचेजिंग होता क्या है, लोग परचेजिंग क्यों करते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे लाइफ का जो दूसरा पार्ट है वो है परचेजिंग। तो परचेजिंग हमारे लाइफ में जरूरी क्यों है, इन सभी को आप आराम से 10 से 15 मिनट में बिल्कुल अच्छे से समझाइए उन्हें। आप उन्हें बताइए कि दोस्त, हमारे लाइफ में जब से हम पैदा होते हैं तभी से हमारे ऊपर खरीदारी चालू हो जाती है। तेल है, साबुन है, क्रीम है, पाउडर है, कपड़े लत्ते जो भी हैं, वो सब खरीद कर ही तो आते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। इनफेक्ट आज भी सुबह से लेकर शाम तक हम जो भी काम करते हैं उसमें सबसे बड़ा रोल होता है परचेजिंग का, खरीदारी का। कभी ब्रेड है, कभी समोसा है, कभी नाश्ता है, कभी कॉपी किताब पेन, कभी बस में जाना, ट्रेन में जाना, कभी जो है कि ट्रेवलिंग करना, कभी लैपटॉप खरीदना, कभी मोबाइल खरीदना, कभी रिचार्ज करवाना, सभी के सभी परचेजिंग ही तो है मेरे दोस्त। और इसके ऊपर ऑलरेडी मेरे एक वीडियो बन चुके हैं जिसमें मैं अच्छे से डिफाइन किया हूँ। तो अगर वो वीडियो आप उनको दिखा देते हैं या फिर खुद देख लेते हैं तो यहाँ से आपका ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे मुझे परचेजिंग के दिन अपने फ्रेंड को कन्विंस करना है। अब हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट जरूर आएगा जो आपका फ्रेंड आपसे पूछ सकता है। जब आप उसको बोलेंगे कि परचेजिंग ये होता है वो होता है, तो आपका फ्रेंड ये बोल सकता है आपसे कि भाई ठीक है, तू ये बता कि मैं परचेजिंग यहीं से क्यों करूँ, मुझे जो जरूरत पड़ेगी, जो मुझे चाहिए, उसको मैं कहीं से भी खरीद सकता हूँ, लेकिन यहीं से जरूरी क्यों है। तो उस वीडियो से आप ये भी उनको आसानी से समझा सकते हैं। अब इसके बाद जो अगला सिस्टम होता है डायरेक्ट सेल। What is direct selling, multi-level marketing and what is network marketing? Network marketing है क्या? और इसी में बात ये भी आती है कि मुझे 2, 3, 4, 5 लोगों को क्यों जोड़ना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर लोग बोलते हैं कि मुझे 3-4 लोगों को ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तो वो जोड़ना जरूरी क्यों है? और जब तक हम नहीं जोड़ेंगे पैसे नहीं आएंगे। तो यहाँ पर आप उनको बड़े आराम से समझा सकते हैं कि दोस्त, जोड़ना क्या होता है और बिजनेस पार्टनर क्या होता है। जोड़ना किसे कहते हैं और बिजनेस पार्टनर किसे कहते हैं, हालांकि दोनों का मीनिंग मिलता जुलता है लेकिन काम बिल्कुल अलग होता है। जोड़ना मतलब हम कहीं पर गए, चाहे वो किराने की दुकान है, चाहे स्वीट का दुकान है, चाहे होटल है, रेस्टोरेंट है, कोई भी मॉल है, कोई भी छोटी दुकान है या फिर बड़ी दुकान है, अगर हम वहां से कोई सामान लेते हैं तो वहां पर हम वन टाइम जुड़ जाते हैं। और अक्सर आप ये देखे होंगे कि अगर कहीं से आप सामान लेते हैं, चाहे वो किराने की दुकान हो या फिर मेडिकल की दुकान हो, तो जो सामान आप लेते हैं वो बंदा अपने डायरी पर जरूर नोट करता है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी आप एक बार जरूर जुड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ से आपकी कमाई नहीं हो पाती है। अब यहीं पर दूसरा है कि जब यहाँ से आप जुड़ते हैं तो यहाँ पर आप मात्र जुड़ते नहीं हैं, यहाँ पर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। और हम लोगों को इसलिए जोड़ते हैं कि मैं अकेले अगर इतना कमा सकता हूँ और अगर मेरे साथ कुछ और लोग भी जुड़ जाएंगे जो मेरे बिजनेस पार्टनर बन जाएंगे, तो हमारा दिमाग और उनका दिमाग डबल काम करेगा और ज़्यादा ज़्यादा पैसा हम कमा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम जुड़ते हैं तो वो बिजनेस पार्टनर में आएगा और वहाँ पर हम जो जुड़ते हैं वो कस्टमर में आते हैं। एंड यू नो बेटर अंडरस्टैंड, कस्टमर कभी भी पैसे नहीं कमाता है, बट डेफिनेटली बिजनेसमैन कमाते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट सेल क्या है, मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है और नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इसको अच्छे से इन तीनों को डिफाइन करना होगा, क्योंकि तीनों का नाम भले ही मिलता जुलता हो लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा अंतर है। तो उस डाउट्स को आपको बिल्कुल क्लियर करना है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है, उसके ऊपर है MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग, और फिर उसके ऊपर है नेटवर्क मार्केटिंग, और इसके ऊपर भी हमारे वीडियो बने हैं ऑलरेडी, आप उसको जाकर देख सकते हैं, वहां से आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा। और गाइस, यही वो दो सिस्टम है जो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। और जुड़ने का मतलब यही नहीं कि आप एक बार जुड़ गए तो आपका काम हो गया, किसी भी दुकान से आप बार बार जुड़ते ही रहते हैं,
लेकिन यहाँ पर आपको वन टाइम परचेजिंग करना है और उसके बाद अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है। सिंपल, दिस इज अ वन टाइम परचेजिंग एंड लाइफ टाइम अर्निंग। तो जैसे ही आपके फ्रेंड की परचेजिंग और डायरेक्ट सेलिंग क्लियर हो जाता है, आगे बचता है उसका कैलकुलेशन। हालांकि उसके बीच में बहुत सिस्टम है जो आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने हैं, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि हर एक सिस्टम की अपने में वैल्यू है, तो इसलिए आप कोई भी सिस्टम मिस मत कीजिए और लेजी तो बिल्कुल मत होइए, क्योंकि अगर आप लेजी हो जाते हैं, आप मिस करते हैं, तो आपका फ्रेंड ऑटोमेटिक लेजी हो जाएगा और बोलेगा छोड़ो यार क्या फर्क पड़ता है, जिसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ आपको भुगतना पड़ेगा। आपको जब तक उस पर्सन का ट्रेनिंग चलता है, सिस्टम चलता है, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, इनफैक्ट अप्रूवल ज्वाइनिंग तक उसके साथ लगे रहना है, और वो भी बिल्कुल पूरे के पूरे ईमानदारी के साथ। क्योंकि दोस्त, उतने दूर से अगर वो बंदा आया है आपके पास, तो उसके अंदर बहुत कुछ होप है, बहुत कुछ उम्मीदें हैं, उसकी परिवार की उम्मीदें उससे जुड़ी हुई हैं, वो सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है और आप ही के ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास भी करता है। अब उसके बाद आता है फाइनल अप्रूवल। अब इंटरव्यू के लिए हमें उन्हें क्या देना है, कैसे बताना है, कैसे उन्हें कन्वेंस करना है, कैसे उनके फैमिली को कन्वेंस करना है, कैसे उन्हें छोटे रैंक से ज्वाइन करने के लिए तैयार करना है, कैसे बड़े रैंक से ज्वाइन करने के लिए तैयार करना है, इन केस अगर उनके पास पैसे नहीं बन पा रहे हैं यहाँ से, तो अगर उनको घर जाने की जरूरत है तो कैसे हमें उन्हें तैयार करके घर भेजना है, ताकि वो घर भी जाएं और आराम से पैसे लेकर आ जाएं, और वो भी गलत तरीके से नहीं, बिल्कुल सही तरीके से और पूरी ईमानदारी के साथ, और कहीं से भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये नेटवर्क मार्केटिंग है, मल्टीलेवल मार्केटिंग काम है, और टोटल आपको ईमानदारी से करना है। इन सभी के लिए अगर आप कहेंगे तो ऑलरेडी हम आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे, सो प्लीज आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, बहुत कुछ चीजें आपको सीखने को मिली होंगी, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपका पार्टनर हैंडलिंग अब मजबूत हो गया होगा। अगर एक बार में क्लियर नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को दोबारा जरूर देखना, और अपने पूरे टीम में, डाउनलाइन में जिनकी आप केयर करते हैं, उनसे शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे बेहतरीन और नॉलेजबल वीडियो बनाते रहते हैं। फिर मिलते हैं गाइस ऐसे ही नॉलेजबल और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।